Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Okay, today we are starting a new chapter which is called Square and Square Roots. In this unit, we will learn about the properties of square and perfect square, then how to find the square roots of natural numbers, then how to find square roots of decimal numbers, and then last but not the least, how to find square roots of vulgar fractions. These four are the basic things which we will cover in this unit. Okay, so before starting the all these things, we should know some basic concepts of numbers. What are numbers? What are whole numbers? What are natural numbers? What are irrational? What are rational? What are square and perfect square? All these things. Okay, let's start. First of all, irrational numbers. Irrational numbers are the numbers which cannot be represented as fractions. वो numbers, irrational numbers वो numbers होते हैं जिनको हम लोग fraction में show नहीं कर सकते, और जिन numbers को हम fractions में show कर सकते हैं उनको हम लोग rational numbers कहते हैं. Okay, और ये जो q है, this q represents the rational numbers. Whenever, for example, इससे पहले हम लोगों ने sets में पढ़ा था तो इंटीजर्स के लिए हम लोग जी डोनेट करते थे, और रैशनल नंबर्स के लिए हम लोग क्यू डोनेट करेंगे. ओके, ठीक है. रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड्स इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, पहली बात. दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रैशनल नंबर्स में हमारे इंटीजर्स भी इंक्लूड होते हैं. अब इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ द इंटीजर्स. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज आर द एग्जांपल्स. रैशनल नंबर की एग्जांपल्स मैंने आपको बताई कि क्योंकि इसके अंदर आपके इंटीजर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो हमने इंटीजर्स से ही स्टार्ट किया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ. माइनस वन, माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस वन अपॉन फोर, जीरो, वन अपॉन फोर, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन टू एंड वन. इन्होंने, हम लोगों ने कंसाइज करके बेसिक नंबर्स आपको दिखाया, माइनस वन से वन के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, माइनस वन एंड वन. ओके, दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शंस हैं और इंटीजर्स हैं. नेक्स्ट कम्स इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो नंबर्स जो हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी अपॉन क्यू. जहाँ पे पी एंड क्यू, ये जो आपका फ्रैक्शन है पी एंड क्यू, यहाँ पे क्यू मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, इरेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नॉट. ये हम लोग सेट्स में पढ़ चुके हैं कि इस जो सिंबल बना हुआ है क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का, इट मीन्स क्यू नॉट. मतलब क्यू क्या था, इरेशनल नंबर्स थे, और हमने इस पर क्या लगा दिया, क्यू नॉट. तो इसका मतलब क्या है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं. ओके, वी हैव ऑल्सो लर्न दिस बिफोर, क्यू कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट. उसमें हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो क्यू में मौजूद नहीं हैं. इट मीन्स हमें यहाँ पर वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो रैशनल नंबर्स में नहीं होते. इन अदर वर्ड्स, दे आर इरेशनल नंबर्स. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन दी एग्जाम्पल्स. अब हमें ये बताना है कि वेदर टू अपॉन थ्री इज़ अ रैशनल और इरेशनल नंबर. ठीक है, मतलब इज़ अ इरेशनल नंबर. तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक फ्रैक्शन को हम कैसे बताएंगे. हम बाय डिवीजन मेथड से बताएंगे. हम डिवीजन करेंगे और हम बता सकेंगे कि वेदर इसका कोई स्पेसिफिक आंसर है या नहीं है. सो लेट स्टार्ट. सिंपली इन्होंने टू डिवाइडेड बाई थ्री किया हुआ है, थ्री इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, टू इधर लिखा हुआ है. सिंपली वी हैव डन द डिवीजन एंड वी हैव सीन दैट देयर इज़ नो स्टॉप. आंसर में कोई स्टॉप नहीं हो रहा, 0.666666. इट मीन्स कि ये आंसर जो है आपका इन्फिनाइट तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जा सकता है, मतलब ये आंसर ख़त्म नहीं हो रहा. सो इट मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम फ़ौरन बता सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, या फिर हम ये बोल सकते हैं इट इज़ अ इरेशनल नंबर.
यस इट इज़ अ इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका कोई स्टॉप नहीं है, इस आंसर का कोई स्टॉप नहीं है, देर इज़ नो लिमिट, देर इज़ नो स्टॉप, ये आंसर इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो पता ये चला कि जो आंसर्स इन्फिनाइट तक जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। जो आंसर्स का कोई स्टॉप नहीं होता, व्हेन देर इज़ नो स्टॉप, दे आर नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक आंसर, वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एंड सेकेंडली वो आंसर्स जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता, मतलब इस आंसर में तो हमारे पास पैटर्न है 6666, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इफ आई एम सीइंग माय आंसर्स कमिंग 0.124509 एक्सेट्रा, सो इट मींस देयर इज़ नो पैटर्न इन दिस आंसर, तो उन आंसर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग। लेकिन अगर हमारे पास कोई पैटर्न आ रहा है, कोई सिमिलर नंबर आ रहे हैं जैसे इसमें, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिकरिंग। तो व्हाट इज़ द रिजल्ट, द रिजल्ट इज द क्वोशेंट 0.666 डिवीजन में इस चीज़ को क्वोशेंट कहा जाता है, इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके आंसर इन्फिनाइट तक जा रहे हैं तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, बट इट इज़ रिकरिंग। लेकिन ये रिकरिंग है, रिकरिंग क्यों है, क्योंकि इसका आंसर जो है एक पैटर्न में है, अगर पैटर्न में ना होता तो हम लोग रिकरिंग कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। और थर्ड रिजल्ट क्या है हमारे पास, थर्ड रिजल्ट क्या आया है कि 2/3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट थिंग 25/23, अब हमें बताना है कि क्या ये रैशनल